हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कमलेश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पे जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे फ्रेंड्स मैं आज आप लोग इस वीडियो में आईटीआई एग्जाम 2021 के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कोरोना के कारण रद्द हुई आईटीआई परीक्षा जी हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है कोरोना के कारण रद्द हुई आईटीआई परीक्षा जिनका परीक्षा एक मार्च से है वह जरूर देखे वीडियो को पूरा कंप्लीट यहाँ पर देखिए फिर से लगा लॉकडाउन परीक्षा कैंसिल सभी राज्यों में नहीं होगी परीक्षा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का जिन छात्रों का आईटीआई आई का परीक्षा होने वाला है तो उनके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि यहाँ पर देख पा रहे कोरोना के कारण रद्द हुई आईटीआई परीक्षा तो मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का बहुत से स्टेट में आप लोग कोविड नाइन्टीन को देखते हुए आप लोगों का लॉकडाउन लग चुका है क्योंकि आप लोगों का कोरोना महामारी फिर से आप लोगों का बहुत तेज़ी से फैल रही है जिसके वजह से आप लोगों का कई स्टेट में आप लोगों का लॉकडाउन लग चुका है बट यहाँ पर आप लोगों का जो कॉलेज स्कूल कोचिंग क्लासेस आप लोगों का है वो बंद कर दिया गया है तो यहाँ पर आप लोगों का आई का जो परीक्षा है वो कैसे लिया जाएगा तो आपका कई स्टेट में आप लोगों का परीक्षा रद्द कर दिया गया है और मैं आप लोगों को बताऊँगा कौन कौन से स्टेट में आप लोगों का रद्द हुआ है कहाँ कहाँ पर लॉकडाउन लगा है क्या आप लोगों का परीक्षा एक मार्च से लिया जाएगा तो आप लोगों को वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जिन छात्रों का आईटीआई परीक्षा है उनके मन में यहाँ पर बहुत से डाउट्स बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबका यहाँ पर डाउट्स जो क्लियर हो जाए एगा तो यहां पर जितने भी छात्र आईटीआई का परीक्षा दे चुके हैं या देने वाले हैं जिनका कैंसिल हो चुका है या उनका परीक्षा कब होगा तो फाइनली सभी लोगों को वीडियो को कंप्लीट देखना तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा और फ्रेंड्स आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं तो आप लोग इसे एक लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप लोग ये सब्सक्राइब कर लें आपको नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला आप लोग को उसे दबालना है और घंटी वाले किन को आल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है और फ्रेंड्स आप तक आई, आई जुड़ी सभी जगह से आप तक पहुँचती रहेगी क्योंकि आपको इस चैनल पर आई आई का कोई भी अपडेट या नोटिस आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों को बताया जाता है तो आइए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दू फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर देना है ताकि यह जो आपका लॉकडाउन लगा जिसकी वजह से आप लोगों का आई का परीक्षा कैंसिल हुआ है तो यह सभी दोस्तों को मालूम हो कि उनका एग्ज़ाम कौन कौन से स्टेट में कैंसिल होगा क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम एक मार्च से है और आप लोगों के मन में बहुत से डाउट्स आ रहे हैं तो आप लोगों को अभी इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास चलो फटाफट शेयर करिए तो आइए -पड़ तो फिर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों का एन सी बी टी डी द्वारा आप लोगों का यहाँ पर एक लेटर जारी हुआ है जिसके माध्यम से आप लोगों का बताया जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी छात्रों का आईटीआई आई का परीक्षा हो रहा है एक मार्च से तीन मार्च के बीच में तो वहाँ पर आप लोगों का कोविड नाइन्टीन का सख्त पालन किया जाएगा और उसके बाद ही आप लोगों का परीक्षा लिया जाएगा तो यहाँ पर मैं बता दूँ फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का जितने भी छात्र आईटीआई फर्स्ट ईयर के हैं आईटीआई सेकंड आई ईयर के हैं तो उनका एग्ज़ाम जो है वो मार्च महीने में हो रहा है तो यहाँ पर आप लोगों का जो कोरोना वायरस है वो लगातार आप लोगों का बढ़ते जा रहा है जिसके वजह से आप लोगों का कई स्टेट में आप लोगों का लॉकडाउन लग चुका है जैसे आपका यहाँ पर झारखंड छत्तीसगढ़ दिल्ली ऐसे राज्यों में आप लोगों का अभी तक लॉकडाउन लगा हुआ है और यहाँ पर आप लोगों का मुंबई महाराष्ट्र में भी आप लोगों का लॉकडाउन लग चुका है जो कि यहाँ पर जितने भी छात्रों का आई का परीक्षा एक मार्च से तीन मार्च के बीच में आप लोगों का लिया जा रहा है वो यहाँ पर आप लोगों का कोविड नाइन्टीन का सख्त से सख्त पालन किया जाएगा इसके बाद आप लोगों का आप लोगों के परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज किया जाएगा और आपको अपने साथ फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र आपको साथ में लेकर जाना है और आप लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही आप लोगों का परीक्षा कराया जाएगा बट यहाँ पर जितने भी छात्र झारखंड और छत्तीसगढ़ और यहाँ पर दिल्ली से हैं तो इन राज्य में अभी तक आप लोगों का आईटीआई टी सेकेंड आई ईयर का भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं हुआ है क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर जो आईटीआई टी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है वो कई स्टेट में आप लोगों का उत्तर प्रदेश बिहार इट इसी जगहों पर आप लोगों का ले लिया गया है जैसे आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड प्रैक्टिकल का बट यहाँ पर आप लोगों का झारखंड छत्तीसगढ़ और आपका दिल्ली राज्य में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर आपका ना तो ड्राइंग का प्रैक्टिकल का और ना ही आप लोगों का ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कम्प्यूटर एंड साइंस का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो यहाँ पर ऐसे छात्रों का आईटीआई आई फर्स्ट ईयर का भी यहाँ पर एग्ज़ाम किस प्रकार लिया जाएगा क्योंकि जब आईटीआई सेकंड आई ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आप लोगों का आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम इस प्रकार लिया जाएगा तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। फाइनली आप लोगों का यहाँ पर एक महाराष्ट्र का आप लोगों का लेटर जारी हुआ है डिजिटी द्वारा तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं महाराष्ट्र शासन संचालक व्यवसाय शिक्षण एवं प्रशिक्षण यहाँ पर देख पा रहे दिया गया है और आपका यहाँ पर दिनांक देख पा रहे हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को कोई भी नोटिस आता है तो आपको सबसे पहले मैं डेट दिखाता हूँ ताकि आपको लगे कि ये बिल्कुल राइट जानकारी है तो ये जानकारी जो आपका बिल्कुल सही है तो यहाँ पर दिनांक देख पा रहे दिया गया है पच्चीस फरवरी 2021 यहां पर बताया जा रहा है और यहां पर मैं आप लोगों को बाइक फ्रेंड यहाँ पर देखिए दिया गया है प्रति प्राचार्य सर्व प्रशिक्षक केंद्र और प्रत्यक्षिक परीक्षा केंद्र यानी यहाँ पर जितने भी छात्रों का सर्व परीक्षा केंद्र है और पर प्रयोग प्रायोगिक परीक्षा केंद्र यानी आप लोगों का सभी गवर्नमेंट आईटीआई टी आई और प्राइवेट आईटीआई को सूचित किया जाता है कि आप लोग यहाँ पर विषय में देख पर दिया गया दिनांक एक तीन दो इक्कीस से दिनांक तीन तीन दो इक्कीस या कलावधीन ड्राॅइंग और प्रात्यक्षिक परीक्षा बाबत यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोगों का जिन छात्रों का आई टी आई फर्स्ट ईयर है जिनका एडमिशन 2019 से लेकर 2021 सत्र में हुआ है तो ऐसे छात्रों को परीक्षा जो है एक मार्च से तीन मार्च के बीच में आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड प्रैक्टिकल आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जा रहा है ठीक है जो कि ऑफलाइन सेल्फ सेंटर के माध्यम से और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है उपरोक्त विषय के अंतर्गत एक तीन दो हज़ार इक्कीस से तीन तीन दो हज़ार इक्कीस या कालावधीन दो हज़ार उन्नीस प्रवेशी दोन वर्षीय अभ्यार्थी कर्मचारी प्रथम वर्ष यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोगों का जितने भी छात्र दो हज़ार उन्नीस से लेकर दो हज़ार इक्कीस तक में एडमिशन लिए हैं तो वैसे छात्रों का यहाँ पर एक तीन दो इक्कीस से तीन से तीन दो इक्कीस के बीच में आप लोगों का एग्जाम लिया जा रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड प्रैक्टिकल का ठीक है तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है वो आप लोगों का महाराष्ट्र में एग्ज़ाम लिया जाएगा अन्य जगहों पर भी आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा बट यहाँ पर आप लोग अपने आईटीआई संस्थान से संपर्क करते रहें वहाँ पर देखिए आप लोगों का हॉल टिकट जारी कर दिया गया है तो आप लोग अपना हॉल टिकट ले लें इसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम एक मार्च से तीन मार्च को लिया जाएगा और यहाँ पर आप लोगों का कोविड नाइन्टीन का सख्त से सख्त पालन किया जाएगा क्योंकि ये आपका जो परीक्षा केंद्र है उसको पहले आप लोगों का सैनिटाइज किया जाएगा इसके बाद आप लोगों का आई जितने परीक्षार्थी जिनका परीक्षा है उनको अपने साथ फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर आपको साथ में लेकर जाना है तभी आप लोगों को परीक्षा परीक्षा क्लास में आप लोगों को एंट्री मिलेगी अन्यथा नहीं, नहीं मिलेगी और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं स्थानीय प्रशास प्रशनाच्य कोविड नाइन्टीन से यहाँ पर आप लोगों का दिया गया पालन करने के लिए यहाँ पर आप लोग पालन करना है और इसके बाद ये लोग आप लोगों का इंजीनियर ड्राइंग और प्रैक्टिकल का आप लोगों का एग्जाम कराया जाएगा और यहाँ पर जितने भी आईटीआई का परीक्षा हो रहा है सभी को यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है तभी आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका सी के माध्यम से एग्जाम हो रहा है तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से एग्जाम किया जा रहा लिया जा रहा है तो आपको कोविड नाइन्टीन को ध्यान में रखना है यह नहीं सोचना कि मेरा कोविड नाइन्टीन है लॉकडाउन लगा है तो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया तो आपका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आप लोगों का एम के पाटिल का पर मूवर साइन यहाँ पर किया गया है तो यहाँ का जो लेटर है बिल्कुल सही है और आप लोग इसका एक स्क्रीन ले लीजिएगा इसके बाद आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा वीडियो को धन्यवाद